ओके okay बच्चों तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं दो बहुत ही बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सो दीज टू थिंग्स आर मोलिकुलर फॉर्म्यूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला सो मोलिकुलर फॉर्म्यूला और एम्पेरिकल फॉर्म्यूला किसी कंपाउंड्स के लिए क्या होते हैं इनमें क्या संबंध है और कैसे वी कैलकुलेट या वी रीच टू दीज टू पैरामीटर्स फॉर एनी गिवन कंपाउंड सो ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ध्यान दे समझना है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट hmm? चलो शुरू कर बच्चों मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात चली तो उसको समझने के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल है वैसे तो किसी भी कंपाउंड से समझ सकते हैं बट ग्लूकोज का एग्जांपल इसके लिए एकदम परफेक्ट है सो लेट्स कंसीडर लेट्स कंसीडर अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेट्स स्टार्ट विद अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अब यह बच्चों जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है सो इट्स फॉर्मूला इज इज इस मॉलिकुलर फॉर्म्यूला इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इस मोलिकुलर फॉर्मूला इज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओर सिक्स मॉलिकुलर फॉर्मूला एस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है भाई तो ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड का हो तो वो मोलिकुलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है मॉलिकुलर फॉर्मूला ये बता देता है कि इन दैट कंपाउंड्स व्हाट आर द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड एज वेल एज हाउ मैनी ऑफ दम आर प्रेजेंट मींस एटम्स एज वेल एज देर एग्जैक्ट नंबर दैट इज गिवन बाई अ मोलिकुलर फॉर्मूला तो पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला इसका रोल क्या है तो इसका रोल ये है कि ये हमें एटम्स और उनकी संख्या क्या है इसके विषय में एकदम सटीक जानकारी देता है तो जैसे ग्लूकोज की बात करें तो इस ग्लूकोज में क्या दिख रहा है वी आर हैविंग सिक्स कार्बन एटम्स देन वी आर हैविंग ट्वेल्व हाइड्रोजन एटम्स एंड अगेन वी आर हैविंग सिक्स ऑक्सीजन एटम्स सो दिस इज अ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एटम्स एंड देयर नंबर्स इन अ गिवन कंपाउंड एंड वी आर डूइंग दिस फॉर ग्लूकोज वी आर डूइंग दिस फॉर ग्लूकोज तो ग्लूकोज से ही बात समझ आ जाएगी सो so, ये तो रही बात बच्चों किसकी ये बात रही मोलिकुलर फॉर्मूले की अब बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की अब बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की देखो बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है सो इफ वी स्टार्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला ये थोड़ा अलग होता है बच्चों अलग किस मायने में देखें किस मायने में अलग होता है जैसे ही जो मोलिकुलर फॉर्मूला भी ऊपर देख रहे हैं तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले में तो हुआ कि भाई सब एटम बताइए और कौन कितनी संख्या में है सो वो भी बता दीजिए तो मोलिकुलर फॉर्मूला लिख देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मुले में एक एक नंबर ऑफ द एटम्स इज नॉट स्पेसिफाइड एम्पेरिकल फॉर्मूला में ये तो बताता है कि विच आर द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल दिस इट डिफाइंस आप क्लियरली लेकिन ये ये नहीं बताएगा कि उनकी संख्या कितनी है तो फिर क्या बताता है सर तो एटम्स के साथ साथ देयर सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देयर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इट टेल्स अबाउट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ दोज एटम्स बट इट डजेंट टेल द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम जैसे ग्लूकोज की बात करें ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाए तो ग्लूकोज में भाई हमारे पास छह कार्बन बारह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन है सो लेट्स इफ इफ वी वॉन्ट टू गेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ दीज थ्री एटम्स सो दिस अमाउंट टू सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मीन्स यू कैन नॉट रिड्यूस दर्दर जो भी मैक्सिमम कॉमन आए यू रिमूव दैट कॉमन नंबर फ्रॉम ऑल द रेशियोज और फिर जो रेशियो बचता है दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो इस ग्लूकोज का अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने की बात आएगी सो वट वुड बी द एंपेरिकल फार्मूला तो इस ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों वो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा जाएगा C1 वन एच और यू कैन से यू कैन जस्ट वन लिखना या ना लिखना उसका मतलब ही नहीं है सो यू कैन डायरेक्टली आईटेड सी एच टू ओ दिस इज ऑल्सो वैलिड सो दिस इज द इम्पेरिकल फॉर्मूला यह हमें केवल ये बताता है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है दैट रेशियो इज एक्चुअली वन इज टू टू इज टू वन लेकिन यह ये ये नहीं बता पाता है कि एग्जैक्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट और हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट और हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसको ई एफ से लिख देते हैं ना ई एफ मीन्स एम्पेरिकल डजंट टेल अबाउट अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स वो केवल क्या बताता है केवल होल नंबर रेशियो बताता है यही फर्क है बच्चों इतनी सी ही बात है मोलिकुलर और एम्पेरिकल फॉर्मूले की बढ़िया ओके तो ये जो अभी मॉलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात हुई सो लेट सी सम एग्जांपल्स उससे बात थोड़ी और बनेगी कि मोलिकुलर और फॉर्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दरअसल क्या फर्क है तो जैसे ग्लूकोज के लिए बात किए कुछ और भी देख लेते हैं तो ऐसा किया जा सकता है कि लेट्स आ, लेट्स हैव अ टेबल एक चार्ट जैसा बनाते हैं और उस चार्ट में क्या करते हैं कि से लेट्स प्लॉट टू रोज दो रो बना लेते हैं और एक रो में हम लोग क्या करने वाले हैं एंपेरिकल फॉर्मूला लिखने वाले हैं और एक रो में मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखने वाले चलिए सो ओके तो सबसे ऊपर तो हम लोग लिखने वाले हैं मोलिकुलर फॉर्मूला यानी एम एफ एम एफ स्टैंड फॉर मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड ई एफ स्टैंड फॉर एम्पेरिकल फार्मूला तो शुरुआत करी जाए ग्लूकोज से ही सो इट्स मॉलिकुलर फॉर्मला विच इज एक्चुअल मॉलिक्यूल दैट इज सी सिक्स एच टूएल्व ओ सट इज द सिंपलेस्ट रेशियो सो दैट इज वन इज टू टू इज टू वन तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वुड बी सी एच टू ओ और यू कैन से सी वन एच टू ओ वन एक हो गया सो दिस मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज ओके Now let's have another molecule, say benzene. Benzene is again an organic compound. So, for benzene, the molecular formula is C6H6. अब बच्चों ये कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ जो रेशियो है मैं वो भी लिखते चला जाता हूँ. Here the ratio of carbon and hydrogen is one is to one. तो फिर इस बेंजीन के लिए एंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा सी वन एच वन सी वन एच वन अच्छा फिर एक और करते हैं बात हुई एथेन एथेन इज आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सो व्हाट इज एथेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेन इज़ सी टू एस सिक्स सी टू एस सिक्स Now what is the empirical formula? So first of all get the simplest ratio of its atom. So what is the simplest ratio? So simplest ratio is one is to three. Carbon one then hydrogen three. Car there are actually two carbons and six hydrogens. So if you divide by two to one is to three. So simplest ratio here, ये सिंपलस रेशियो ही हमें पहुंचाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूले तक तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बच्चों क्या होगा ये हो जाएगा सी वन एच थ्री या वन तो जनरली नहीं लिखते हैं आप केवल सी एच थ्री भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों ठीक ये हो गया एथेन अच्छा चलो एक और करते हैं लेट्स एथेन हैज टू कार्बन मैथिन्बन सो मैथेन इज दी एच फोर दिस इज वन मोलिक्यूल ऑफ मेथिंग ना वॉट इज द सिंपलेट रेशियो ऑफ इज कंस्टिट्यूएंट एस्ट रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूंट एज वन इज टू फोर तो ये सिंपलेस्ट रेशियो ही हमें बताता है एम्पेरिकल फार्मूला सो वॉट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ओ यहां तो गजब हो गया भाई ये तो एक ही जैसे आ गए दोनों ये तो एक ही जैसे आ गए क्योंकि वन इज टू फोर से और ज्यादा सिंप्लीफाई तो कर ही नहीं सकते आप होल नंबर रेशियो होना चाहिए तो होल नंबर वन से छोटा तो कोई होता ही नहीं है तो फिर तो मेथिन में क्या हुआ कि मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला बोथ आर आइडेंटिकल बोथ आर आइडेंटिकल तो ये भी ध्यान रखना है बच्चों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल हो वही आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हो तो उसका अलग से एम्पेरिकल फार्मूला कहीं से प्रकट नहीं किया जा सकता फिर वही रहेगा जैसे कि मेथेन में सो दीज आर सम बेसिक एग्जाम्पल्स एंड देयर मे बी में so, जिसमें कोई मॉलिक्यूल है फिर उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स का होल नंबर रेशियो लिखिए एंड यूजिंग दैट होल नंबर रेशियो गेट द एम्पेरिकल फार्मूला ये भी ध्यान रखें एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला से सदैव अलग हो इट मे नॉट बी ट्रू एज इन केस ऑफ मेथेन ये कैसा है सेम ही है तो कभी कभी अलग भी हो सकता है एंड समटाइम्स दे मे बी सिमिलर ऑल्सो सो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी इट इज नॉट ऑलवेज Necessary that empirical formula is always different, is always different from molecular formula, from molecular formula. Full stop. Sometimes समटाइम्स बोथ ऑफ दैम बोथ ऑफ दैम मे बी सेम ऑल्सो मे बी सेम ऑल्सो जैसा कि अभी हम लोग मीथेन के केस में देख रहे हैं एग्जाम्पल हो गया इसका मीथेन तो वॉट इज स्पेशल अबाउट मीथेन फॉर मीथेन इट्स मॉलिकुलर फॉर्म्यूला एंड एम्पेरिकल फॉर्म्यूला बोथ आर सिमिलर बोथ आर सेम सो ये बेसिक एग्जाम्पल्स हो गए मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के और हमने ये भी समझ लिया कि भाई सदैव अलग हो आवश्यक नहीं हो भी सकते हैं डिफरेंट एक जैसे भी हो सकते हैं ओके okay. अब बचो ये जो एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला है थोड़ा देखें क्या इनके बीच में कोई संबंध भी है क्या इज देयर एनी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू सो लेट्स स्टार्ट रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एंपेरिकल फॉर्मूला मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एम एफ ई एफ एम एफ स्टैंड फॉर मोलिकुलर फॉर्म्यूला एंड ई एफ स्टैंड फॉर एम्पेरिकल फार्म्यूला ओके सो लेट सी इज देयर इन एनी एनी रिलेशन एग्जिस्ट बिट्वीन दीज टू ओके चलो फिर से हम लोग ग्लूकोज की शरण में चलते हैं तो चूंकि ग्लूकोज के लिए भी पढ़ ली है सो सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सो दिस इज वॉट दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओके फाइन नाउ सो द मोलिकुलर फॉर्म्यूला तो दिया ही हुआ है बच्चों जो सामने देख रहा है वही तुम्हारा मोलिकुलर फॉर्मूला है सो मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर दिस मॉलिक्यूल सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एंड एंपेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस ग्लूकोज इज एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस ग्लूकोस इज सी एच टू ओ एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फॉर कंस्टिट्यूएट थ्री एटम्स इज वन इज टू टू इज टू वन अच्छा भाई अब हम क्या करते हैं ये जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला है या ग्लूकोज का एक मोलिक्यूल है तो इसका मोलिकुलर मास देखते हैं सो लेटे सीधा मोलिकुलर मास लेटे सीधा मोलिकुलर मास so the molecular mass means mass for one molecule is vesatome that's 180 but still let's do it so there are 6 carbon atom and each atom has a mass of 12amu then we are having 12 hydrogens and each hydrogen has a mass of 1amu then we are having 6 oxygens and each oxygen has a mass of 16amu so if you add all these things you are getting 180amu सो दिस वन एट्टी ए एम यू इज द मोलिकुलर मासन अब बच्चों जो मोलिकुलर मास आता है इसके बाद हम लोग एक और मास कैलक्यूलेट करने जा रहे हैं सो दास इज न्यू फॉर यू मोलिकुलर मास वी ऑलरेडी नो वॉट इज ऑल अबाउट द मोलिकुलर मास नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मुल मास देखो प्यारे बच्चों इंपेरिकल फॉर्मुला मास क्या होगा अब हम क्या करने वाले हैं अब हम इम्पेरिकल फॉर्मूला मास यानी कि जो इम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा है, हुआ है इसमें जो जो कंस्टिट्यूएंट लिखे हैं, बस उतने का ही मास कैलकुलेट करते हैं तो भाई क्या है वी आर हैविंग वन कार्बन मास ट्वेल्व एएमयू फिर हमारे पास दो हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं उसका मास वन एमयू फिर एक ही ऑक्सीजन है उसका मास सिक्सटीन एएमयू अब बच्चों अगर गौर करें दिस बिकम्स थर्टी 12 प्लस टू फोर्टीन प्लस सिक्सटीन थर्टी ओके तो अब ये जो एक फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला मास हुआ नाउ दिस इज सॉल्व एंड द वैल्यू इज ओनली 13 amu. और 30 एमयू सॉरी और जो मोलिकुलर मास हुआ वो मोलिकुलर मास नेचुरली ज्यादा आ गया वो मोलिकुलर मास 180 एट्टी आ गया अच्छा अब भाई बात है कि इफ इन दोनों में एक रिलेशन चाहिए तो रिलेशन क्या होता है देखिए रिलेशन क्या होता है तो बच्चों ये जो रिलेशन है वो रिलेशन कुछ यूं लिखा जाता है द रिलेशन इज दैट मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला मॉलिक्यूलर फॉर्म्यूला दिस इज इक्वल टू n इन टू empirical formula n into empirical formula hmm? अच्छा ये n क्या है ये जो n देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये n कुछ नहीं this n is a whole number what is this n this n is a whole number or you can say this is a positive integer दिस इज अ पॉजिटिव इंटीचर सो दिस एन में भी वन टू थ्री तो ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए बच्चों दिस इज अचुरल नंबर ओके यानी कि पॉजिटिव इंटीचर चलो भाई अब सारी बात यहीं तो अटकी है तो सर ये एन कहां से प्रकट करें एन निकालना बहुत आसान देखो कैसे ये एन कहां से आए एन इज जस्ट रेशियो ऑफ मॉलिकुलर मास इट इज मॉलिकुलर मास इन एम यू डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई एंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्म्यूला मास दिस मस्ट भी ऑल्सो इन ए एमयू दिस मस्ट भी ऑल्सो इन ए तो ये बच्चों हुआ एन को निकालने का तरीका तो so, अभी जैसे हम लोग ग्लूकोज के एग्जाम्पल में देखे, तो हमारा मॉलिकुलर मास आया 180. एटी एन फी गॉट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हैज ओनली थर्टी ए एम यू तो उस ग्लूकोज के एग्जाम्पल में अगर एन की बात करी जाए तो क्या होगा भाई तो फॉर ग्लूकोज एन लिखा जाएगा दैट इज मॉलिकुलर मास दैट वॉज वन एट्टी एम यू डिवाइडेड बाई एंपेरिकल फॉर्मुला मास दैट वॉज ओनली थर्टी एम यू सो द रिजल्ट इज सिक्स द रिजल्ट इज सिक्स अभी सिक्स रिजल्ट आ गया तो फिर क्या होगा अभी सिक्स रिजल्ट आ गया तो जरा गौर करें क्या होने वाला है तो बात करते हैं ग्लूकोज की तो ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला था भाई वो कितना था सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स और ग्लूकोज के लिए एन की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स तो सिक्स टाइम एम्पेरिकल फार्मूला सो वट वॉज एम्पेरिकल फार्मूला सी एच टू ओ देखिये क्या ये ट्रू है एब्सोलूटली ट्रू है ये सबके लिए ट्रू रहता है वट इज दिस एन आप एंपेरिकल फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद ट्राई टू गेट एन देन मल्टीप्लाई एंपेरिकल फॉर्मूला बाय एन एंड गेट योर मोलिकुलर फॉर्मूला सो दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड दिस इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला तो ये तो रही बात दोनों के रिलेशनशिप की अब यह एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला समझ में आ गई बात क्या होता है चलो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं देन इट वुड बी इवन मोर क्लियर टू यू हाउ टू कैलक्युलेट या हाउ टू सॉल्व दीज एम्पेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला यूजिंग द गिवेन इन्फॉर्मेशन सो लेट एस सी तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं सॉल्यूशन उसका नेक्स्ट पेज में करते हैं सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड द न्यूमेरिकल इज बेसिकली फ्रॉम योर एनसीआरटी बुक सो इट्स वेल इन योर सिलेबस देखें अ कंपाउंड अ कंपाउंड कंटेन्स दिया हुआ है के कोई कंपाउंड है Which contains say four point zero seven percent hydrogen. It contains twenty four. It contains twenty four point two seven percent of carbon. Achafer and seventy one point six five percent of chlorine. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें भाई हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है और क्लोरीन भी है, और कितना कितना परसेंटेज है so वो भी दिया हुआ है। ऑल आर मास परसेंटेज वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर ओके अगली इंफॉर्मेशन दी है कि इसका मोलर मास क्या है सो इट्स मोलर मास इट्स मोलर मास इज से 98.96 ग्राम दिस इज द मोलर मास, सो फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिकुलर फॉर्मूला एंपेरिकल फार्म्यूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों बातें बच्चों इस क्वेश्चन में हमें आंसर करनी है क्या हम कर पाएंगे कर पाएंगे देखो कितना आसानी से करते हैं तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ऐसे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन तीनों का मास परसेंटेज दे दिया मोलर मास दे दिया अच्छी बात है एंपेरिकल मोलिकुलर फॉर्मुला चाहिए देखो अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों सो इट हैज अ फिक्स्ड मेथड एंड नो डेविएशन फ्रॉम दैट मेथड इट हैज एब्सोल्यूटली फिक्स्ड सेट ऑफ मेथड सो लेट मी टेल यू देखें बच्चों को से. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मुझे एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी सो लेट्स ड्रॉ आर टेबल तो बच्चों क्या किया हमने एक बड़ा सा चार्ट बना लिया अब इस चार्ट में हम क्या क्या करने वाले सो दे स्पेसिफाइड मेथड वैसे ही आपको करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है बच्चों कि इस कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं सबसे पहले प्लीज स्पेसिफाई ऑल एटम्स। तो भाई एक हाइड्रोजन था एक कार्बन था और एक क्लोरीन था तीनों के स्पेसिफाई कर दिए अच्छा फिर अगली बात क्या होती है देन वी गो फॉर द मास परसेंटेज ऑफ दीज एटम्स सो द सेकेंड थिंग दैट वी रिक्वायर टू डू इज द मास परसेंटेज So this mass percentage is also given to us in the question. So for hydrogen, it is given as say 4.07 percentage. No need to specify percentage in every, uh, in all. so number So that is 24.27 percent. The last is 71.65 percent. So if you add these mass percentage, एडिशन मस्ट बी वन हंड्रेड दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ अगर हंड्रेड नहीं हो रहा है तो मतलब को छूट रहा है तो ये तो मास परसेंटेज हो गया ओके अब मास परसेंटेज करने के बाद ये जो आपके आइटम्स हैं सो प्लीज स्पेसिफाई करेस्पॉन्डिंग एटोमिक मास प्लीज स्पेसिफाई एटोमिक मास इन द नेक्स्ट कॉलम सो व्हाट आर दटोमिक मास फॉर हाइड्रोजन इट्स वन for carbon is 12 and for chlorine it is 35.5 now the next line is very crucial ab jo column hai in that column we specify or we write a relative number of atoms स्पेसिफाई रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स अभी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स क्या है बच्चों ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम है ये क्या होता है टू गेट दिस क्वांटिटी वट वी डू एज वी डिवाइड मास परसेंटेज बाई एटॉमिक मास वट वी डू एज वी डिवाइड डिवाइड मास परसेंटेज बाई एटॉमिक मास देखो डिवाइड करते हैं सो वॉट इज द मास परसेंटेज फॉर हाइड्रोजन इट इज फोर पॉइंट जीरो सेवन वॉट इज द एटॉमिक मास इट्स वन सो वॉट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स सो दिस इज फोर पॉइंट जीरो सेवन ओके अगेन फॉर कार्बन मास परसेंटेज इज

मास परसेंटेज फॉर क्लोरीन सेवेंटी वन विद एटॉमिक मास थर्टी 30.5.5 और ये भी बच्चों लगभग टू पॉइंट समथिंग ही आएगा चलो इतनी बार समझ आई नाउ कम टू द फिफ्थ कॉलम अब ये भी बड़ा क्रूशियल भाई इसमें क्या करना है नाउ इन दिस कॉलम वी गेट सिंपलेस्ट

कि इफ हाइड्रोजन इज 4.07 पॉइंट जीरो सेवन देन कार्बन इज टू पॉइंट समथिंग जो भी आए एंड क्लोरिन इज ऑल्सो टू पॉइंट समथिंग लेकिन जब भी हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं या मोलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं तो आपने गौर किया होगा कि हम लोग उसमें मोलिकुलर फॉर्मले में इस तरह के फ्रैक्शन वाले टर्म नहीं लिखते हैं। इस तरह के फ्रैक्शन वाले टर्म नहीं लिखते हम इसको होल नंबर में लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर में लिखते हैं बट वेन इन लेटर स्टेजेस आपकी आपके करिकुलम में यू विल ऑल्सो सी द कंपाउंड विद फ्रैक्शनल नंबर लाइक लाइक जैसे मैं आपको लिख के दिखाऊं से आपको इस तरह के कंपाउंड्स में भी आगे मिलने वाले से एफ जीरो पॉइंट नाइन एफ ई जीरो पॉइंट नाइन सेवन ओ लिखा हुआ है जैसे आप क्या पढ़ते हैं आप इस तरह से पढ़ेंगे आयरन का ऑक्साइड एफ ई बट इस तरह के कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें होल नंबर रेशियो ना हो बट दैट इज अगेन इन द लेटर स्टेजेस सो दीज टाइप ऑफ कंपाउंड विथ फ्रैक्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स आर नोन एज नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक कंपाउंड नॉन स्ट्राइक्योमेट्रिक कंपाउंड बट वो अभी आपको नहीं समझना है क्या इसका मतलब है और जिनमें होल नंबर रेशियो होता है बच्चों ये स्ट्राइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड स्ट्राइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स। ओके बट अभी हमें केवल स्ट्राइक्योमेट्रिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं वेन ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो होल नंबर्स में होने चाहिए मीन्स पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होनी चाहिए इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यूज अभी नहीं कर रहे ओके तो बच्चों ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम देख रहे हो ये तो सब फ्रैक्शन में है अब आपको इस रिलेटिव नंबर से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की दरकार है तो देखो क्या करते हैं करना यह है कि इस रिलेटिव नंबर में सबसे पहले यह देखना है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बच्चों आइदर दिस इज स्मॉलेस्ट और दिस टू पॉइंट समथिंग इज स्मॉलेस्ट वो तो कैलकुलेट करने पर पता चलेगा वट एवर बी द स्मॉलेस्ट नंबर यू डिवाइड दैट नंबर टू ऑल दीज रिलेटिव नंबर कैसे हम क्या करेंगे 4.07 जो लिखा हुआ है जस्ट डिवाइड दिस बाई टू पॉइंट समथिंग अगेन जो टू पॉइंट समथिंग लिखा है इसमें भी टू पॉइंट समथिंग से डिवाइड कर दीजिए फिर ये टू पॉइंट समथिंग है उसमें भी टू पॉइंट समथिंग से डिवाइड कर दीजिए नाउ यू विल हैव टू चेक विच इज लोअर उससे डिवाइड करना है अच्छा तो भाई अगर मान लीजिए यही लोअर है अगर यही लोअर है तो क्या होगा ये तो एग्जैक्टली exactly वन हो जाएगा एक तो एग्जैक्टली exactly वन आएगा एक क्या होगा जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा ज्यादा है तो ये वन पॉइंट जीरो समथिंग बट लगभग वन के ये भी आ जाएगा एक तो एग्जैक्ट वन होगा बट एक वन के इक्वल होगा अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए हो सकता है ये थोड़ा बड़ा हो जाए यू डिवाइड ऑल द थ्री और जितने भी अब चूंकि यहां तीन ही एटम है तो तीन ही बातें नजर आ रही है चार होते पांच होते उसी तरह करते जाना है तो सिलेक्ट स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर देन डिवाइड ऑल रिलेटिव नंबर बाई दैट स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर सो वन ऑफ द वैल्यू विल बी एग्जैक्टली वन और बाकी अब जैसे ये है तो ये लगभग दो हो जाएगा हुँ? यहां पर हमें क्या करना है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है हमें होल नंबर वैल्यू लिखनी है हमें क्या करना है बच्चों होल नंबर रेशियो नाउ एज वी आर हैविंग गेट वी आर हैविंग द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो अब हम लोग आसानी से इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं तो क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूले में इंपेरिकल फॉर्मूले में वी विल बी हैविंग टू हाइड्रोजन वी विल बी हैविंग वन कार्बन

ओके सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द आंसर व्हिच इज डन नाउ कम टू द मोलिकुलर फॉर्मूला अब भाई अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला इसको भी कैलकुलेट करना है सो दिस इज एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला दिस इज एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला बट नाउ वी नीड टू हैव दिस एन अभी एन तक कैसे पहुंचा जाए तो अभी तो सीखे क्या होता है एन एन हो जाता है मॉलिकुलर मास इन एमयू डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और इसे भी क्या करना है इसे भी एमयू में लेना है ओके okay. सो so, क्वेश्चन में बच्चों मोलर मास दिया हुआ था मोलिकुलर मास तो नहीं दिया हुआ था सो वॉट वॉज द मोलर मास सो मोलर मास वॉज नाइन्टी एट पॉइंट नाइन सिक्स ग्राम अभी हम सभी जानते ही हैं कि मोलर मास जितने ग्राम होता है मोलिकुलर मास उतने ही एम यू होता है होता है कि नहीं होता है ये तो पढ़े हुए हैं हम लोग तो मोलर मास वॉज इन ग्राम the same number in amu is your molecular mass mass of 1 mole abhata empirical formula mass to ka khel carbon 12 2 hydrogen 2 into 1 1 chlorine 35.5 this is also in amu so what is the final answer so this is 98 0.96 नाइन सिक्स एंड इफ यू 12 दीज ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव दिस इज फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव सो रफली ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू दिस इज तो भाई अगर यह 2 आता है तो फिर अपना जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ empirical formula or you can say precisely this is c2 h4 cl2 this is c2 h4 cl2 which would be your answer for molecular formula so is for any question kelly we can easily find empirical formula as well as molecular formula चलो एक और करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी लेट्स डू वन मोर ओके बच्चों सो द क्वेश्चन इज अगेन फाइंड ई एफ एंड एम एफ मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बातचीत हो रही है बच्चों अब देखते हैं कि वॉट आर द कंस्टिट्यूंट्स ऑफ दैट कंपाउंड सो दिस विच कंटेन्स कार्बन सो दिस इर द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट्स And its percentage is given as 4.684%. This is the first constituent. Okay. Then the second constituent is hydrogen. And its percentage is 5.085%. So it's the second constituent. And the third and the last constituent is oxygen. And its percentage is 54.228%. Okay. So these are the three constituents. Achha, one more thing is given that molecular mass, molecular mass of compound, of compound is 118 amu. दिस इज गिवे वन वन एट ए एमयू ओके सो देर आर ओनली थ्री कंस्टिट्यूंट तो अब यहां तो जगह थोड़ी कम है बच्चों आगे पेज में करते हैं नेक्स्ट पेज में करेंगे तो द टेबल विल बी क्लियर टू यू सो इट विल बी ईजी टू लुक एंड नोट एवरीथिंग ओके बच्चों तो हम क्या करेंगे कि एक टेबल मैंने पहले से बना के रखा हुआ है आपके लिए सो इन दिस टेबल हमें क्या क्या करना रहता है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स सो एटम्स सो व्हाट आर द एटम्स देर आर ओनली थ्री कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके आफ्टर एटम्स वी सी वॉट इज द मास परसेंटेज ऑफ ईच एटम So the mass percentage that given in the question is for carbon it is forty point six eight four. For hydrogen it is five point zero eight five. For oxygen it is fifty-four point two two eight. So this is the mass percentage, and now let's move to the atomic mass. ऑफ ऑल दार्टिसिपेंट्स फिर हम लोग मास परसेंटेज और एटोमिक मास का यूज करके ही तो रिलेटिव नंबर बताते हैं तो भाई क्या है भाई अटोमिक मास कार्बन इट्स ट्वेल्व हाइड्रोजन इट्स वन ऑक्सीजन इट्स सिक्सटीन नाउ मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ कॉलम एंड दैट इज अगेन रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हाउ वी गेट दिस रिलेटिव नंबर वी जस्ट डिवाइड आर मास परसेंटेज बाई एटोमिक मास बाई एटॉमिक मास क्या होता है भाई ये रिलेटिव नंबर यहां क्या होगा तो चलो डिवाइड करके देख लेते हैं फोर्टी पॉइंट सिक्स एट फोर है ट्वेल्व से आपने डिवाइड किया aaya was three point four. Okay. Now the next is five point zero eight five. You divide by one. So the result is five point zero eight five. Sorry, many have four diya This is also five. And uh, next is fifty-four point two two eight. You divide it by sixteen. द रिजल्ट इज अगेन थ्री पॉइंट फोर अब बच्चों समझे ये तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम हो गया अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम के बाद जो नेक्स्ट टर्न है कॉलम का दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स तो ये कैसे होगा देखिए कैसे होगा तो हमें क्या करना रहता है रिलेटिव नंबर का जब सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो 3.4 पॉइंट फोर इज द मिनिमम नंबर है ना दिस इज द लीस्ट नंबर अब बच्चों क्या है कि एक्जेक्टली थ्री पॉइंट फोर नहीं होंगे दोनों लेकिन चलो पूरा नहीं लिख रहे थ्री पॉइंट फोर ही कर दिए सो यू डिवाइड ऑल थ्री बाई द लीस्ट रिलेटिव नंबर सो वी डिवाइड एवरीथिंग बाई थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर एज न्यूमरेटर अब इसमें भी देखना होगा आपको कि कौन सा छोटा है तो उससे डिवाइड करेंगे बट हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं बच्चों तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया कि थ्री पॉइंट फोर समथिंग ये भी होगा ये भी होगा कोई भी छोटा हो आना तो वन ही के लिए माथा पच्ची करें ज्यादा है ना ठीक लेकिन अब यहां देखो यहां मामला गड़बड़ है क्या गड़बड़ है दिस आंसर वुड बी ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव दिस आंसर वुड बी ऑलमोस्ट वन पॉइंट फाइव तो ये जो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ ये तो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ ही नहीं ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आने चाहिए थे जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आप देख रहे हैं इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखना पड़ता है ना सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या हुआ होल नंबर रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर जैसे पिछले केस में हुआ था वो तो फटाफट आ गया था तो पिछले केस में क्या था कि भाई ऐसा सेटिंग थी कि इस तरह की कोई वैल्यू नहीं आई 1.5 ऐसा तो कुछ नहीं आया सब इंटीजर्स ही ऑलमोस्ट आ गए थे यहां पर मामला गड़बड़ हो गया अब क्या करें कोई डरने की जरूरत नहीं अगर इस तरह से कोई गड़बड़ी करे तो यू ट्राई सम मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन क्या होता है देखो बहुत आसान अब हमें क्या करना रहेगा हम कुछ ऐसा तिकड़म लगाएंगे जिससे कि इन तीनों का रेशियो होल नंबर हो जाए इन तीनों का रेशियो बच्चों होल नंबर हो जाए तो क्या किया जाए तो ऐसा किया जाए कि इन तीनों में क्यों ना टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए भाई यही तो गड़बड़ है इसको होल नंबर बनाना है तो इसकी गड़बड़ी को दूर करने के लिए इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर सभी में टू से मल्टीप्लाई करना होगा तो फिर आपको सभी में टू से मल्टीप्लाई करना होगा अब बढ़िया हो गया नाउ दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज अगेन टू सो अब अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें अब हमारे हाथ में एंपेरिकल फॉर्मूला तुरंत आ गया बच्चों देखो क्या हो रहा है देर आर टू कार्बन थ्री हाइड्रोजन्स एंड टू ऑक्सीजन्स तो ध्यान रखें दिस सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ रिलेटिव नंबर इफ इट इज नॉट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट अगर ये रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लाएंगे कैसे जैसे यहां किए तो एंपेरिकल फॉर्मूला हो गया अच्छा अब भाई एंपेरिकल फॉर्मूला के बाद मोलिकुलर फॉर्मूला भी देख लेते हैं ओके सो द एंपेरिकल फॉर्मूला दैट वी जस्ट कैलकुलेटेड एज सी टू H3O2, C2H3O2. So this is your first answer. What is this? This is your first answer. Now the only task remains is your molecular formula. अब बच्चों देखें मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे होगा एकदम सेम पैटर्न है बच्चों. जो पिछला क्वेश्चन की एकदम सेम पैटर्न कैसे कैसे चलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं सो व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मला मास देर आर टू कार्बन तो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई हो गया तीन हाइड्रोजन है सबका मास एक एक एमयू दो ऑक्सीजन है सबका मास सिक्स ए एमयू यू एड दिस एंड यू विल है ए एमयू एज द एम्पेरिकल फॉर्मला मास अच्छा फिर मॉलिकुलर मास क्या होगा भाई मोलिकुलर मास

दिस वैल्यू इज टू तो अगर ये टू हो गया तो बच्चों मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा दिस वुड बी ट्वाइस योर एम्पेरिकल फॉर्मूला मीन्स ट्वाइस ऑफ सी टू एच थ्री ओ टू एंड द रिजल्ट इज एंड द रिजल्ट इज बच्चो बच्चों ये आ गया सी फोर एच सिक्स ओ फोर तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा आंसर दिस इज योर आंसर नंबर टू मोलिकुलर फॉर्मूला डन तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें सेपरेट मास परसेंटेज गिवेन है और मोलिकुलर मास गिवन रहता है दोनों क्वेश्चन में यही देखें तो एकदम सेट पैटर्न है और आसानी से हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं अब बच्चों क्या करते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज हैविंग स्लाइटली डिफरेंट पैटर्न बट नॉट दैट मच डिफरेंट दैट यू विल फेस सम डिफिकल्टी देखो बहुत आसानी से कर पाओगे तो क्या है कि थोड़ा सा अलग तरह से दिया है से 1.4 ग्राम हाइड्रोकार्बन 1.4 ग्राम हाइड्रोकार्बन बर्ंट इसको जलाया गया हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता हो बस है ना सो दिस बर्न इन ऑक्सीजन गैस ओके अच्छी बात है जला दिए सो इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस

बच्चों क्या है सबसे पहले तो यही समझना होगा हमें कि ये जो हाइड्रोकार्बन की बात है ये कोई स्पेशल चीज नहीं है दिस इज जस्ट अ कंपाउंड दिस इज जस्ट अ कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन मतलब कोई तीसरा एलिमेंट नहीं होता है बच्चों केवल और केवल इसलिए इसका नाम हाइड्रोकार्बन पड़ा हाइड्रो लिया गया हाइड्रोजन से और कार्बन तो ही सो दिस इज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड दीज आर हाइड्रोकार्बन ओके नाउ अब हाइड्रोकार्बन की जो ऑक्सीजन से रिएक्शन है दैट इज कंबन ऑफ हाइड्रोकार्बन और यू कैन से बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन सो इफ यू सी दंबसन और बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन तो इसमें क्या होता है इसमें बस क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन कोई भी कंपाउंड है कोई भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, से दिस इज सी एक्स एच वाई क्योंकि इसमें कई कार्बन ही होंगे हाइड्रोजन ही होंगे सो इफ यू रिएक्ट दिस हाइड्रोकार्बन विद ऑक्सीजन दैट देन इट स्टार्ट बर्निंग ये जलने लगता है एंड ड्यू टू दैट बर्निंग वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस लिक्विड वाटर सो दिस इज द बेसिक रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हम इसके कोफिशियंट्स में नहीं जा रहे हैं इसकी बैलेंसिंग में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट वी नीड टू नो कि बर्निंग का मतलब क्या है तो बर्निंग हो गई अच्छा अब ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि भाई बर्न जलने के फलस्वरूप कुछ अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का मिला और कुछ एच का भी मिला तो हम यहां से दोनों का ही मोल्स लिख सकते हैं कैसे अगर पूछा गया कि चलिए मोल्स बताइए CO2 टू के कितने हैं तो कैसे लिखोगे तो मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास इन ग्राम्स तो दोनों ग्राम में हो गए तो CO2 टू का मोलर मास होता है 44. तो वेन यू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू तो हैव 0.5 पॉइंट मोल्स तो ये तो बात हुई कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स की अब जरा पानी के मोल्स भी देख लो तो पानी के मोल्स कैसे पता चले सो वॉटर हैविंग अ मास ऑफ वन पॉइंट एट ग्राम डिवाइडेड बाई द मोलर मास विच इज एटीन सो दिस इज जीरो पॉइंट वन मोल्स दिस इज जीरो पॉइंट वन मोल्स तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी मालूम चल गए और वाटर के मोल्स भी मालूम चले तो ये इतनी बात तय हो गई कि इस हाइड्रोकार्बन के कंबशन से और इसकी बर्निंग से हमें क्या क्या मिल रहा है अच्छा लेकिन अब देखो एक बात और जैसे हमें तो रिक्वायरमेंट है इस, इस हाइड्रोकार्बन के एम्पेरिकल फॉर्मूले की मतलब हमें एक्स और वाई का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए तभी तो अपना आंसर आएगा वो आंसर देखो कैसे आए देखो ये मोल्स निकालना क्यों जरूरी है क्या होता है इससे देखो क्या से? क्या इससे क्या होता है ये बात तो तय है कि इस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स उसमें कार्बन का जो सोर्स है सोर्स इज ओनली दिस हाइड्रोकार्बन और तो कार्बन कहीं से प्रकट हो नहीं रहा है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो भी कार्बन है ये उतना ही कार्बन होगा जितना कार्बन किसमें है जितना कार्बन इस हाइड्रोकार्बन के अंदर है मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड भाई पूरा कब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो यहां तो कुछ नहीं बचेगा बोथ ऑफ दीज विल बी एग्जॉस्टेड खत्म हो जाएंगे प्रोडक्ट दिखेगा तो अब कार्बन प्रोडक्ट में दिख रहा है तो वो कार्बन कहां से आया इस हाइड्रोकार्बन से तो जितना कार्बन आपको प्रोडक्ट में दिखेगा इसका मतलब उतना ही कार्बन प्रेजेंट था हाइड्रोकार्बन में सिमिलरली जितना हाइड्रोजन आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है उतना ही हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी होना चाहिए हुँ? यही तो मतलब है क्योंकि हाइड्रोजन आया कहां से यहीं से तो आया तो अब हमारे पास सीओ और वॉटर के मोल्स हमें मालूम चल गए अब कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल में दो कार्बन 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 डाइऑक्साइड के एक मोल में एक मोल कार्बन मतलब जितने कार्बन डाइऑक्साइड होने जितने सीओ टू मॉलिक्यूल होने उतने ही कार्बन एटम भी होने सीधी सी बात जैसे हम कहें वाटर की बात करो एक मॉलिक्यूल वाटर यानी दो हाइड्रोजन दस मॉलिक्यूल वाटर यानी बीस हाइड्रोजन तो जितने हाइड्रोजन उसके आधे मॉलिक्यूल या ऐसे कह लें जितने मॉलिक्यूल उसका डबल हाइड्रोजन जितना पानी उसका दो गुना हाइड्रोजन जितना कार्बन डाइऑक्साइड जितना CO2 उतना ही कार्बन जितना वाटर उसका दो गुना हाइड्रोजन ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आपको मालूम चल गए तो कार्बन के भी इतने ही मोल है लेकिन पानी के मोल इतने हैं तो हाइड्रोजन के मोल उसके दो गुने ये बेसिक बात है तो बच्चों। बात की जाए कि मोल्स ऑफ कार्बन जरा बताइए मोल्स ऑफ कार्बन सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स आर जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेम नंबर ऑफ मोल्स वी आर गोइंग टू हैव फॉर कार्बन आल्सो मीन जीरो पॉइंट जीरो फाइव अब बात है कि चलिए अच्छा मोल्स बताइए ऑक्सीजन के कितने होंगे मैं ऑक्सीजन पे आ गया हाइड्रोजन से मतलब है ना ऑक्सीजन से क्या लेना देना तो वॉटर के मोल और 0.1 उसके डबल कर दीजिए सो दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो हाइड्रोकार्बन है है ना अपना जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों इन दैट हाइड्रोकार्बन द एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन वाज़ जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन वाज़ ओनली जीरो पॉइंट टू मोल्स अच्छा तब क्या किया जाए अब एम्पेरिकल फॉर्मूला बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस कार्बन और हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना होगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो वो कैसे किया जाए तो सिंपलेस्ट रेशियो बताने के लिए क्या अभी रिलेटिव नंबर जब सॉल्व कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे जो लोएस्ट वैल्यू आती थी उसी से डिवाइड कर देते थे हु? तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा देखो जरा गौर से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हाउ वी डू दिस देखो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स हैं कम तो छोटी वैल्यू से ही ना डिवाइड करना है ताकि एक तो वनी हो जाए अच्छा नाउ डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय द सेम वैल्यू ये हो जाएगा फोर यही सिंपलेस्ट रेशियो आ गया वन इज टू फोर सो द आंसर फॉर एम्पेरिकल फॉर्म्यूला इज इज वॉट इट इज सी एच फोर इट इज सी एच फोर आंसर फॉर एम्पेरिकल फॉर्म्यूला इज सी एच फोर इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज वन इज टू फोर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म अच्छा एक बात और बच्चों अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देखे थे क्या देखे थे सी एच फोर जो है अगर वो इंपेरिकल फॉर्मूला है तो मोलिकुलर फॉर्मूला भी वही होता है तो अगर इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में मोलिकुलर फॉर्मूला भी पूछा जाता तब भी आंसर आपका ch4 फोर ही होता है तब भी आंसर पूछा नहीं गया अच्छी बात है बट इफ इट वॉज आस्ट आंसर वुड है अब किसी के मन में सवाल जाएगा नहीं नहीं सर सी एच फोर कैसे हो जाएगा ठीक है एक बार जरा फिर से समझा दीजिए कैसे सी एच फोर आया कैसे आया सी एच फोर मान लीजिए हम कहें कि ऐसा नहीं हो सकता सर यहां पर एन कुछ दे दिया जाए से टू दे दिया जाए तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपकी बात अच्छी जरा देखो बच्चो एन अगर टू ले लें ले तो क्या होगा एन अगर टू ले लिया जाए तो इसका मतलब होना चाहिए कि जो मॉलिकुलर फॉर्मुला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूले का डबल है मीन्स इट वुड बी सी टू एच एट जरा समझिए और से दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट एक्जिस्ट नॉट पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल जैसे कार्बन कार्बन है तो कम से कम एक बॉन्ड से तो जुड़ेगा अच्छा फिर चूंकि कार्बन में चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो चार ही इसमें मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड बन सकते हैं सो अ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ टू कार्बन कैन हैव मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम सिक्स सॉरी सिक्स हाइड्रोजन नॉट इलेक्ट्रॉन्स तो दो कार्बन के साथ आठ हाइड्रोजन कहां से लाओगे दो कहां जाएंगे छह ही आ सकते हैं बच्चों छह से ज्यादा नहीं आएंगे तो ये जो सी टू एच एट है ये तो पॉसिबल ही नहीं तो बकवास ये तो हो ही नहीं सकता है और वैसे भी अभी हम लोग बात किए कि सी एच फोर जो है वही एम्पेरिकल फॉर्मूला और वही मोलिकुलर फॉर्मूला है फिर किसी के मन में नहीं नहीं सर हम तो एन को कुछ लेते हैं दो तीन चार कुछ ले लीजिए कभी नहीं होगा जैसे एन को टू ले लिए तो सी टू एच एट होना चाहिए मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे हो जाएगा मैक्सिमम छह हाइड्रोजन से ही हो सकते हैं बाकी दो कहां जाएंगे पॉसिबल ही नहीं है तो इस क्वेश्चन में तो वैसे क्वेश्चन का आंसर तो केवल इतने में ही खत्म हो गया कि एंपेरिकल फॉर्मूला बताइए हो गया आंसर बट अगर क्वेश्चन यहां पर मोलिकुलर फॉर्मुला पूछते तो हम बता देते हैं. अच्छा लेकिन कुछ और अगर एम्पेरिकल फॉर्मुला आ जाता जैसे सी एच थ्री अगर मान लीजिए जा आ जाता तब फिर मोलिकुलर फॉर्मूला यू कैन नॉट आंसर वाई से इफ ई एफ एज सी एच थ्री सपोज सपोज आर क्वेश्चन इज ओवर वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग इट कि इफ केस एंपेरिकल फॉर्मूला वर सी एच थ्री क्वेश्चन की सेटिंग इस तरह से रहती है कार्बन हाइड्रोजन का बच्चों वन एस टू थ्री का सिंपलस रेशियो आता तो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला भी सी एच थ्री हो सकता है कभी नहीं कभी नहीं तो फिर मोलिकुलर फॉर्मूला फिर एन पता होना चाहिए तो एन मालूम होना चाहिए तो जैसे अगर एन की वैल्यू टू है टू सी एच थ्री हो जाएगा मीन सी टू एच सिक्स यहां पर क्या हुआ यहां पर हुआ एन टू अच्छा एक बात और समझ लीजिए कोई कहे सर अगर एन की वैल्यू थ्री हो जाए तब तो थ्री सी एच थ्री तो थ्री सी एच थ्री क्या हो गया सी थ्री एच नाइन ये भी बच्चों पॉसिबल नहीं है दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है देखो हाइड्रोकार्बन केवल तीन तरह के हो सकते हैं लेटर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल बी गेटिंग ऑल दिस थिंग्स जल्दी से थोड़ा सा थोड़ा सा तीन तरह के हाइड्रोकार्बन क्या क्या होते हैं लिख लेते हैं फटाफट जो हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं दे मे बी ऑफ थ्री कैटेगरीज ओनली फर्स्ट इज सी एन एच टू एन प्लस टू सेकेंड कैटेगरी सी एन एच टू एन

तो जरा बताइए अगर हम एन की वैल्यू चलिए थ्री रखते हैं अगर हम एन को थ्री लेते हैं तो कितने कितने तरह के हाइड्रोकार्बन आ सकते हैं देखो इफ यू टेक इट से सी एन एच टू एन प्लस टू सो एट एन इक्वल टू थ्री वी विल बी हैविंग सी थ्री एच एट ओके अगर हम सी एन एच टू एन ये वाला हाइड्रोकार्बन देखें तो एन की थ्री वैल्यू के लिए इट वुड बी सी थ्री एच सिक्स ओके अगर हम सी एन एच टू एन माइनस टू ये वाला हाइड्रोकार्बन देखें तो एन की थ्री वैल्यू के लिए दिस वुड बी सी थ्री एच फोर ओनली तो एन थ्री के लिए केवल ये तीन ही पॉसिबल है तो अगर हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसा आता और पूछते बताइए मोलिकुलर फॉर्मुला क्या है और एन नहीं भी देते तो आपको समझना चाहिए कि एन की वैल्यू केवल के टू ही हो सकती है मीन सी थ्री सॉरी सी टू एस सिक्स मैंने थ्री लिख दिया क्या हां सी टू एस सिक्स ये तो एक एक जेन्यन हाइड्रोकार्बन है कैसे देखो अगर ये सी एन एच टू एन प्लस टू अगर हम इनको टू ले लें बच्चों गौर और से समझो तब क्या हो जाएगा ऊपर वाले से क्या आ जाएगा सी टू एस सिक्स आ जाएगा सो इस जेन्युन हाइड्रोकार्बन लेकिन अब थ्री लेंगे तो सी थ्री एच नाइन ये कोई हाइड्रोकार्बन होता ही नहीं है ओके एनी सो इस तरह से लेकिन जनरली क्या होता है कि दे गिव यू द मोलिकुलर मार्क सो दैट यू कैन इजली गेट दिस एन दिस एन यू कैन गेट इजिली एन यू कैन फाइंड मोलिकुलर फॉर्मला ऑल्सो वेरी इजली बट समाइम्स नो वन नोस एग्जाम में क्या होने वाला है तो ऐसा हो सकता है कि आपको एम्पेरिकल ये नहीं भी दिया है और इस तरह की कोई सेटिंग है कि आपको खुद से तय करना है कि एन क्या होगा विदाउट यूजिंग द मोलिकुलर मास तो आप आप तय कर सकते हैं जैसे इस क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में मीथेन वाले में तय किए पिछले पार्ट में या अगर मान लीजिए वन एज टू थ्री का रेशियो होता तब भी हम तय करते तो तब आंसर क्या आता देन वी वुड हैव द आंसर एस सी टू एस सिक्स दिस वुड बी द आंसर दिस कैन नॉट बी आंसर एन फोर फाइव तो कुछ हो ही नहीं सकता है. Okay, but So with this, this part of empirical mass, empirical formula, and molecular formula stands over. Thank you, very, boys.